तो खवासपुर में इस समय है और यहाँ समस्याएं जो हमने बात की ग्रामीणों से, यहाँ पर ग्रामीण हमारे साथ है और इनका सबकी बहुत सारी ऐसी जेन्युइन मांग है जिस पर न रेलवे के इंजीनियर्स ध्यान दे रहे हैं, न ठेकेदार ध्यान दे रहा है। और ये जेन्युइन मांग किसी का अंडर पास को लेकर के है, कहीं पुल को लेकर के है। तो हमारे यहाँ ये ग्रामीण सब बहुत नाराज़ हैं क्योंकि इनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। अधिकारी आते हैं, वो अपना काम करके चले जाते हैं और जो स्थानीय लोगों को जो चिंताएं हैं उसकी भविष्य को लेकर के उस पर बात करते हैं। क्या चिंताएं हैं आपको, क्या लगता है क्या गड़बड़ हो रही है? सर देखिए, यहाँ सबसे पहले जो है रेल, आप दिखाइए हमको, रेल का जो पुल बना हुआ है सर, रेल का जो पुल बना हुआ ये तो बेकार, ये तो इसमें तो गाड़ी जाने से, आदमी को जाने से पहले इसमें पानी भर जाएगा। मतलब इसका हाइट ज्यादा नहीं दे रहा है? नहीं सर, इसको नीचे कर दिया, इसका ऊपर हाइट नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ। दूसरी बात कि यहाँ जहाँ भी पुलियाँ बन रही है, हाँ। ये हिंद महासागर में, हाँ। हिंद महासागर में यहाँ पर बाढ़ आती है तो पानी भर जाता है। जी सर, पूरा यहाँ हिंद महासागर सब पानी रहता है। जी सर, तो अभी तो सूखा हुआ है पूरा, अभी सूखा है लेकिन बरसात में, मतलब हमको ऐसा लगता है कि सरकार के निर्देश के अनुसार नहीं, यह तो मनमानी ढंग से किया काम जा रहा है, काम को किया जा रहा है मनमानी ढंग से। आप लोगों से बातचीत होती है? जी नहीं, जो लोग आते हैं तो अपने मन से आते हैं, अपने मन से। आप लोग कभी कहें कि आप लोग इतना नीचा क्यों बना रहे हैं? या सर नहीं, एक आध बार इसका जो है किया गया जिसके संबंध में ऐसा मालूम हुआ, हम लोग तो वैसे इतना लेकिन चालू होगी। आपको लग नहीं रहा कि सफिशियंट हाइट नहीं लग रहा आपको? जी नहीं, ये जो हाइट है, पहले वाला देखिए सर, ये जो है ये पहले वाला सड़क की हाइट है। देखिए सर, ये सड़क की हाइट अगर इतना नीचे में जाएगा तो ये जो जो नदी का पानी आता है इसमें पहले भर जाएगा सर। देखिए 4 फुट नीचे है। या अच्छा, अभी ये अभी ऑलरेडी नीचे है ना? ये बिल्कुल बिल्कुल ऑलरेडी, अगर यहाँ पे अगर सड़क का हम सड़क की लेवल यहाँ से रखते हैं तो पानी नहीं आएगा, लेकिन ऊपर ये पुल का छत 7 फुट नहीं बचता है सर, यहाँ तो ट्रैक्टर भी नहीं जा सकेगा, ट्रैक्टर की छतरी लग जाएगी ऊपर। हाँ। तो बताइए सर कि कैसे तो इसमें आवागमन हो सकता है सर? हाँ? यहाँ तो जरूरी नहीं था ये देना। हाँ। यदि इसमें पानी आएगा तो सब घर खत्म हो जाएगा। हाँ। इधर हाँ? का पानी उधर चला जाएगा। हाँ, इधर हाँ? का पानी उधर चला जाएगा। हाँ। एक तो रोड इधर पानी आता है, नदी का है, बहुत नदी है, ये बहुत विशाल नदी है ये। हाँ, परवान नदी का छड़ा हुआ है। क्या नाम है इस नदी का? परवान का छोटा टुकड़ा है ये, 17 में हम लोग बरसाती नदी होगा। जी जी जी, बरसाती नदी है। और इसका पानी इधर आ जाएगा? 17 में इतना नुकसान किया। ये तो यहाँ जो था रेल चलाने के लिए ओवर ब्रिज देना था। हाँ। यहाँ तो इस पुलिया इधर पानी जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है सर, यहाँ तो ट्रक भी नहीं आ सकता। यहाँ तो क्रॉस करने के लिए आदमी को, बाजार क्रॉस करने के लिए यहाँ पे पुल का जरूरी था जो कि हमारे ऊपर से रेल जाएगा। ये ये जो जेन्युइन समस्या है और इनकी भविष्य की चिंताएं हैं कि ये अगर नीचे होगा तो इसमें तो हमेशा पानी ही भरा रहेगा, और अगर बाढ़ आई 2017 की तरह की अगर कोई बाढ़ आई तब तो पूरा इधर का पानी उधर चल के डूब जाएगा। हाँ, तो आना जाना सर, यहाँ 2017 नहीं, 2017 हर साल होता है सर, क्योंकि हम लोग नेपाल से सटे हुए हैं सर। हाँ। क्योंकि ऊपर जब नेपाल में बारिश होती है तो हम समतल भूमि में है, सीधा पानी हमारे यहाँ लुढ़क जाता है। अच्छा, आप उधर का भी कुछ बता रहे थे? बिल्कुल सर, ये तो हिंद महासागर में है लेकिन यहाँ छोटा छोटा पुलिया बना रहा है, जहाँ रोड क्रॉस हो रहा है वहाँ पे तो लगता है कि जैसे नदी में पुल। अच्छा, जो ऐसा लग रहा है कि रेलवे जो है उनको जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है, वो अपना बना करके चले जाएंगे। बस बस बस, रेल को ही चला के चल जाना है, यहाँ का आदमी रेल में जाए या गड्ढे में जाए कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। आपने रेलवे, चूंकि रेलवे के अधिकारी इंजीनियर्स तो ऊपर से हैंडल होते हैं, उनका तो अधिकार, अपने ऊपर जो उनका नक्शा होता है या जो एस्टीमेट होता है उस आधार पर चलते हैं, लेकिन आप लोग को तो काम जनप्रतिनिधियों से ये बात रखनी चाहिए ना। सही बात, जो यहाँ के विधायक या सांसद होंगे उनसे आपने ये बात रखी है? देखिए सर, ये जैसे अभी तो खुले शब्द में बोलना चाहिए, हमारे विधायक जैसे मनचंद केसरी हैं, तो कभी रेल की कभी इस पंचायत में आए भी नहीं, मनचंद केसरी दिखाई नहीं दिया, इलेक्शन के बाद तो दिखाई नहीं दिया, कहाँ ढूंढे। आप लोग गए जनप्रतिनिधि, आप लोगों से मतलब बना करके गए, मीटिंग किए या उनको कोई ज्ञापन वगैरह सौंपा, क्या किया आप लोगों? सर पहले देखिए, अधिकारी आपकी बात नहीं सुनेंगे ये तो तय है, अधिकारी वो अपने ऊपर के लोगों के सुनेंगे ना। आंदोलन हुआ था, आंदोलन हुआ था, काम रुक गया था। हाँ। हम लोग आंदोलन किए थे काम रोकने के लिए। हाँ। लेकिन कोई नहीं आया, नहीं कोई एमएलए। तो इसमें आपको लग रहा है फॉल्ट है पूरी लाइन में? बिल्कुल 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 है? बिल्कुल, ये तो जो है ये तो
कंपनी हो या कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं, ये बिल्कुल मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। यहाँ की जो हालात को देखते हुए कि भूमि क्या है, कैसे यहाँ बाढ़ आता है, कैसे लोगों, मतलब यहाँ के लोगों के प्रति कोई लेना देना है नहीं, उनको रेल से लेना देना। और ये हाइट कितनी होगी नीचे से लेके ऊपर तक इसकी? सर ये तो मापी नहीं है, लेकिन होगा सर। नहीं, मेरे ख्याल से ये 12 फुट का हाइट होगा टोटल। 12 फुट का होगा। मिस्त्री है सर? मिस्त्री है। अच्छा, और ये देख रहे हैं कि ऊपर वहाँ आगे ऊंचा है और इधर भी ऊंचा ही होगा जी। तो ये जो नीचा रखा गया है जी, तो ये क्या लग रहा है, पानी भरा रहेगा इसमें? बिल्कुल 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 पानी भरा रहेगा इसमें। तो आप लोग के कोई इस्तेमाल का नहीं होगा? कोई इस्तेमाल का नहीं है, ये तो पानी है, ये लोगों को चलने आने के लिए नहीं है। ये जिस इंजीनियर पानी रहेगा इसमें, इंजीनियर ने इसको बनाया है सर, वो अपना रेल को रेल के लिए बनाया, यहाँ लोगों के यातायात के लिए नहीं बनाया है सर। लोगों की सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है उनको, अपना रेल से मतलब है उनको। तो ये बड़ी बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर जो लोग बता रहे खवासपुर में इस समय कि जो काम हो रहा है वो जनता के हित में उनको लग रहा है कि नहीं है, और रेलवे अपने बस प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रही है कि किस तरह से वो मिट्टी भराई कर दे, किस तरह से अंडरपास बना दे, चाहे वो कितनी चौड़ा हो कितना ऊंचा हो, उनका कोई एक सेट एक मापदंड होगा, उस आधार पर बना रहे हैं। लेकिन कुछ एक जगहों पर जैसे ये जो अंडरपास बना है और इसके ठीक बराबर में ये बरसाती नदी है, तो निश्चित रूप से जब ये पानी बढ़ेगा तो ये पानी कहाँ जाएगा, ये इसी तरफ आएगा, और ये अगर इतना नीचा बनेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर पानी जमा होगा। तो ये बड़ी समस्या यहाँ पर है। तो इसका लाभ मिलेगा लोगों को या इससे नुकसान होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ सामने दिखाई दे रही है, क्या कहते हैं आप? जी सर, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। आगे यहाँ आगे चल के देखिए, फुट रेस्ट पुल बना हुआ है। हाँ। जो 2005 में हमारे पंचायत के माननीय मुखिया श्री कुमार नाथ झाजी बनाए, जिनकी लंबाई 400 मीटर होगी। हाँ। और 400 मीटर की एक फुट रेस्ट पुल है। हाँ। कितना पानी आता है कि 400 मीटर की फुट रेस्ट पुल है, पगडंडी पुल है, इतना पानी आता है। पुल आप पुल को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ कितना पानी आता है बरसात में। पूरे लाइन में आपको बिल्कुल बिल्कुल पूरे लाइन में पानी ही पानी भरा होता है। अभी तो ये जो खवासपुर पंचायत के 9 नंबर के वार्ड के जो लोग हैं, वो अभी इस रेलवे लाइन से चिंतित हैं कि कोई कामयाबी पुल नहीं बना है, आने वाले समय में हम लोग को घर बार छोड़ना ही पड़ेगा, या क्या होगा ये चीज। बरसात आने से पहले खवासपुर पंचायत के 9 नंबर के लोग चिंतित हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर रेलवे का देखा जाए तो इतने ऊँचे ऊँचा जब बांध बना रहे हैं रेलवे लाइन के लिए, और निश्चित रूप से ये पानी जब अवरुद्ध होगा तो एक पर्टिकुलर जगह से वो पानी निकलेगा और प्रेशर भी बनेगा उसमें। जी, 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 प्रेशर भी बनेगा, और इतने कम निकासी में अगर कम जगह हो तो वो चिंताएं दूर करनी पड़ेगी, रेलवे के अधिकारियों को बैठ के बात करना पड़ेगा और इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जहाँ ज़रूरत जितनी है उस आधार पर ही उसको बनाया जाए, ना कि एक उनका जो सेट पैटर्न है कि उस आधार पर ही हर जगह बना देना, क्योंकि अलग अलग जगहों के हिसाब से रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, और ये चीज़ देखना होगा, स्थानीय लोगों से बात करनी पड़ेगी, तभी ये परियोजना जो है वो ठीक तरीके से आगे चल सकती है। नहीं तो अगर ये गुस्सा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में लोग इसका विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और हो सकता है काम भी बाधित कर दें। तो ये रेलवे को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सबको मिल बैठ करके इसका हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो सुरक्षा है यहाँ के गाँव की, यहाँ के लोगों की, वो बहुत अहम है। रेल लाइन तो बन जाएगी, ट्रेनें भी दौड़ने लगेंगी और लोगों का जो है आवागमन भी होगा, लेकिन जो मेन सुरक्षा को लेकर के जो चिंताएं हैं, बाढ़ को लेकर के जो चिंता है, पानी को लेकर के जो चिंताएं हैं, उसे दूर करनी पड़ेगी और समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लगातार ऐसी आवाज़, ऐसी रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहें, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आगे शुक्रिया आप लोगों का, सब हम लोग के साथ इस चर्चा में जुड़े, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हम आपको और रिपोर्ट ऐसी दिखाते रहेंगे, यहाँ के लोगों की आवाज़ सुनाते रहेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।